राम मंदिर का फीता काटा और राम मंदिर का सिलेंस भी होने वाला है। राम मंदिर से इनको क्या फायदा है, इनसे क्या फायदा है? पंडितों को फायदा है, मैं बोलूंगा पंडितों को फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो युवा है, आपको आपको रोजगार चाहिए कि राम मंदिर चाहिए? राम मंदिर पर गवर्नमेंट ने कितना नाम का है? राम मंदिर चाहिए, हाँ जी, रोजगार नहीं चाहिए, ना चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए उन लोगों। अरे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, बट विकास चाहिए मैडम। ये तुम्हारे मोदी के चमचे हैं। अच्छा। मैं बोलता हूँ मोदी, मैं सुनो, मैं कांग्रेस के नहीं बोलता हूँ, अब इन पे फैक्ट ना, ये तो चमचे भक्त वाले समर्थन। और ये सरकार पंडितों की है, बनियों की है, और सबकी सरकार है, नारा दे रही है भैया। हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानते। लगेगा, चलिए भैया बता दीजिए काहे लग रही महंगाई? पहले भी तो महंगाई ये है कि मैडम आज भी मैं देखता हूँ मेरे घर के सामने बाजार लगता है, कोई बंदा चार सब्जी खरीदने वाला ना, वो एक सब्जी खरीदता है 60 रुपया 80 रुपया से कोई नीचे सब्जी है ही नहीं, पहले 100 रुपया में झोला भर जाता था। आपके टाइम में तो पनीर के सब्जी खा रहे भाई, महंगाई कहाँ है? तुम खाते हो गए यार, तुम खाते, ये भाई नहीं, हम नहीं खाते, तुम नहीं खाते हो? हम कसम से हम नहीं खाते, हम आलू के अलावा कुछ खाते ही नहीं, साइकिल चला, आलू प्याज हरी मिर्च और उससे इसके अलावा योजनाएं भी जान लेते हैं आप ही लोगों के सामने क्या क्या किया मोदी जी ने जो 9 साल में। मैडम जी इतने योजना बताऊंगा, तुम कैमरा लेकर वहाँ चली जाओगी, हम डर जाएंगे। सुन लो, इन्होंने बोला कि तो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ, बता तो रहा हूँ गरीबों के लिए कौन सी योजना करी, घर घर शौचालय बनवाए, हमें गरीब ना देखा ना अमीर देखा, जिसके यहाँ पे शौचालय ना था उसके लिए शौचालय दिया, उसमें चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, 10-15 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने। उससे पहले क्या स्थिति थी गाँव की, वो गाँव में चले जाने, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। दूसरा, गाँव गाँव में पानी की टंकियाँ लग रही हैं, घर घर जा कर देख लो, घर घर कनेक्शन हो रहे हैं। ये लोगों ने कभी, गांव के लोगों ने कभी सपने में भी ना सोचा था कि हम कभी आने वाले टाइम में टंकी जल मिल चुका है आपको, और उसी का जवाब ले तो शौचालय मिल गया। देखिए बिना जात पात देखे मोदी जी, मेरी बात सुनो, ये तो कह रहे हैं शौचालय, जब मुंह में अन्न नहीं जाएगा तो शौचालय किस बात का, गांव में, गांव में राशन किसने दिया था? मोदी राशन 2 साल फ्री का था, अनाज मिला, और बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। अनाज तो मिल रहा, ये तुम्हारे मोदी के चमचे हैं। अच्छा। मैं बोलता हूँ मोदी, मैं सुनो, मैं कांग्रेस के नहीं बोलता हूँ, अब इन पे फैक्ट ना, ये तो चमचे भक्त वाले, वो तो समर्थन कर रहे हैं ना सरकार का, चमचे का है कह रहे हैं, योजनाएं आई है। एक तरफ तो बिल्कुल निरपक्ष बात बोल रहे हैं, वो लोग समर्थन वाला बात बोल रहे हैं, इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, इनको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है इनको। भैया ये लोग कह रहे हैं जनता के मुद्दे, आगे आ जाइए, आप ही पढ़े लिखे लग रहे हैं। पहले 10 साल पहले जो एक मजदूर मिलता था ना, वो 200 रुपए में मिलता था, आज मजदूर 600 रुपए में बढ़ रहा है। अगर महंगाई बढ़ी तो तुमने, तुम्हारी भी तो आमदनी। मैडम मैडम इन्होंने मुद्दा बन पाएगा? सुनो सुनो, इन सब बातों को छोड़ो, मैं कहता हूँ, मैं इस बात की कह रहा हूँ, आज गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर उनको घर भेज देती है। अब 5,000-10,000 जमा करो तब आपका बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा इस जमाने में। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मोदी की जिम्मेदारी, बलिंजन सरकार है भैया, आप तो हर जगह बलिंजन सरकार में तो विकास की गति थी। यूपी में जाकर के देख लो, यूपी में जाकर बजट पास हुए, 17 बजट पास हुए, ठीक है? अरे कोई भी बजट पास हुए, तुम्हारी लेबर के लिए हुआ कुछ? तुम्हारे लिए कुछ हुआ? बजट में लेबर क्लास तो गाया। इनसे पूछना, चंदन खाते खोले हुए? मगर उन्होंने कुछ किया ये बताओ मेरे को, चंदन खाते में लॉकडाउन के टाइम में भैया खुले, चंदन से जोड़ दिया, सबके अपने अपने अकाउंट, बेकार, तुम्हारे लिए कुछ किया? लेकिन पैसा नहीं है उसमें, पैसा ही नहीं है खाने, खड़े घूम रहे हो, मेरी बात सुनो यार, कर रहे हो ये क्यों नहीं बना पहले, हाईवे बन चुके हैं, रोड बन गए, रास्ते में छीन छान, मैडम पहले पास हो गए थे, ये मोदी जी ने फीता काटा है अभी। मोदी जी से फीता काटने जाते हैं, उनको मतलब नहीं है गरीब? राम मंदिर का फीता काटा और राम मंदिर का सिलेंस भी होने वाला है। राम मंदिर से इनको क्या फायदा है, इनसे क्या फायदा है? पंडितों को फायदा है, मैं बोलूंगा पंडितों को फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो युवा है, आपको आपको रोजगार चाहिए कि राम मंदिर चाहिए? राम मंदिर पर गवर्नमेंट ने कितना नाम का है? हमें राम मंदिर चाहिए, हाँ जी, रोजगार नहीं चाहिए, ना चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए उन लोगों। अरे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, बट विकास चाहिए मैडम, रोजगार चाहिए ही नहीं मंदिर। मैडम एक मिनट मैडम, ये पंडितों को फायदा है, पुजारी बनते हैं वहाँ अपने पेट भरते हैं, गरीबों को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, गरीब
गरीबों को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान सरकार दे रही है, शौचालय दे रही है, राशन दे रही है, यूपी अभी यूपी का जो बेसिक सैलरी है, अभी यूपी का जो बेसिक सैलरी है 10,300 है, और आज ऑटो वाला 20 रुपए लेता है लोकल किराया, लोकल किराया 20 रुपए लेता है। अभी आटा लेने जाओ तो 300 रुपए कट्टा देता 10 किलो का, वो कितने दिन चल रहा है? जिसके घर में 10 मेंबर होंगे वो कितने दिन चलेगा? 2 दिन मेंबर की आमदनी उस हिसाब से होगी ना सबकी। पहले 3,000 रुपए तुम्हारी सैलरी थी। अरे आंटी जी भी है, आंटी जी मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। गाइस ज्यादा हो गई है क्या? जो कमाने नहीं निकलेंगे तो घर में तो महंगाई दिखेंगे ही दिखेंगे। हाँ क्या करती है? हम भी काम करके आ रहे हैं। कितना कमा लेती? क्यों जितना अपना बजे बात कर रहे हैं भैया, बात करेंगे जितना मिल गया उतना कमा लेंगे। हाँ यूट्यूब चलाती हैं? नहीं हम तो वही झाड़ पोछा करने वाले हैं। फोन नहीं है आपके पास? नहीं ले लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं मेरे को बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे देखो। हम दबा देंगे क्यों? अरे वो देश के ये भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल है, और ये सरकार पंडितों की है, बनियों की है, और सबकी सरकार है, नारा दे रही है भैया। हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानते। ये साल जो पंडित का पार्टी हो या राजपूत का पार्टी हो, एक पार्टी का नाम बता दीजिए। बाबूजी कल्याण सिंह किस? एक सेकंड पहले भैया, दोनों साथी हैं। एक तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, सपोर्ट किसी का नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं भाजपा ने बहुत काम कर दिया। चलिए पांच काम आप भाजपा के दो तो गिनवा ही चुके हैं और गिनवा दीजिएगा, और आपको क्या काम नजर नहीं आ रहे वो भी आपसे जान। क्या नाम है आपका? काम मेरा नाम पुनीत है। तीसरा काम बिजली का हो गया मैडम, ठीक है। चौथा काम है ना, गांव में जाकर देख लो, गांव में पता नहीं क्या स्थिति थी। मोदी ने इतनी बिजली कर दी है कि जाती नहीं है बिल्कुल भी, बराबर बिजली बनी रही। कुड़की भी तो हो रही है, लोग बाहों के बिजली के बिल नहीं जा पा रहे, ऊने दूने बिजली के बिल बना रहे हैं। अब ये एक सेकंड भी हो रही है। इन लोगों की पता सोच क्या थी? जब अखिलेश की सरकार या किसी और कांग्रेस सरकार थी, पता गांव की स्थिति की बिजली क्या थी? 7 दिन तो आती थी 6 घंटे रात में, और 7 दिन आती थी 6 घंटे दिन में, 18 घंटे बिजली का पते भी नहीं थे। आज लोग पहले सुनो सुविधा जैसे लाइट मिल रही है अब तो, देखिए गांव बिजली। मैं बोलूंगा जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसी हिसाब से थी लूट, किस हिसाब से थी बताता हूँ। एक सेकंड देखो, अरे सुनो भैया, अरे सुनो सही, फैक्ट में बात करूंगा, हवाई बात नहीं करूंगा, फैक्ट में रहते थे। और लेकिन एक अरे यार तुम तो लोगे, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी ये यहाँ का मुद्दा नहीं है, ये दुनिया भर में चले जाओ हर जगह की स्थिति से। भारत की बात करते, दुनिया को छोड़ दीजिए, भारत में बेरोजगारी तो वो सबको रोजगार दे देगी। तो नहीं बोल रहा है देंगे, विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है कि हम रोजगार देंगे, उसका तो मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का मुद्दा कांग्रेस मुसलमान है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री क्या नाम था उनका, वो उप मुख्यमंत्री जो उनका नाम है, नाम बोलूँ तेजस्वी यादव, उन्होंने क्या बोला था? हम जब आएंगे 10 लाख लोगों को, एक ही हिंदू मुस्लिम और कोई मुद्दा नहीं। इस सरकार के पास हिंदू मुस्लिम है भैया, गिनवा रहे थे